गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फूड कंपैरिजन वीडियो। तो आज हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं पिज्ज़ा पे, जो कि हम नॉर्मली अब तक खाते आए हैं, और किसके साथ? कुल्हर पिज्ज़ा के साथ। क्योंकि देखो, आजकल उंगली करने वाले तो हर खाने में अपनी उंगली कर ही रहे हैं, तो कुल्हड़ पिज्ज़ा में भी कर दी, कुल्हड़ पिज्ज़ा करके। तो मैं बता रही हूँ, मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपको उंगली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक ही रेस्टोरेंट था, कोई प्रमोशन नहीं है, द बर्गर कंपनी, जहाँ से हमें नॉर्मल पिज्ज़ा भी मिल गया और कुल्हड़ पिज्ज़ा भी मिल गया। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्या आया है, कैसा आया है। पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ अपना क्लासिक मार्गरेटा पिज्ज़ा, और कुल्हड़ पिज्ज़ा बाद में ट्राई करूँगी, क्योंकि ताकि ऑनेस्ट रिव्यूज दूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं ट्राई कर लूँ मार्गरेटा। ओके, चीज़ फुल तो नहीं है। नॉर्मल जैसे होता है मार्गरेटा क्लासिक, वैसा ही ना। तो मार्गरीटा था 150 का, मतलब 150 के हिसाब से मतलब इतना भी कुछ खास नहीं था, डोमिनोज का ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ, इधर आ जरा, कुल्हड़ पिज्ज़ा। इन्होंने हमें स्पून नहीं दी थी, पर लकीली हमारे पास थी स्पून। तो यार ये पूरा चीज़ से ये स्पून है, ये हमारी स्पून है। इसमें जलने की बदबू आ रही है, मैं अंदर अंदर का खा रही हूँ। ऊपर वाली जो चीज़ की कोटिंग थी ना, वो जला दी इन्होंने। ओके, ये देखो ब्रेड है, पूरी ब्रेड भी है अंदर और वेजीज है अंदर। गिर गया, सॉरी। तो बनता ही है। ओके, मैं खा के बताती हूँ, मैंने बहुत वो कर लिया। खट्टा हो रहा है बस ये इसमें, मतलब ऊपर से एक तो चीज जला हुआ है, ऊपर से जो अंदर उन्होंने टमाटो सॉस डाला है, जो भी पिज्जा सॉस है अपना इनका, बहुत ज्यादा टैंग है, बहुत ज्यादा, और इतना अच्छा नहीं आया। और अंदर भी इतनी कोई चीज थी नहीं, तो फिर शायद यहाँ का अच्छा ना होता हो, कहीं और जगह का कोई। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है, ये चांसेस है, क्योंकि इतना गंदा तो नहीं हो सकता। गंदी आ रही है, मतलब ऊपर देखो पूरा जल चुका है ये, तो ये तो साइड में खाने नहीं वाली, बट ये अंदर से नहीं है अच्छा। मतलब यहाँ का तो मत मंगाना, अगर आप कहीं वहाँ पे ट्राई करते हो तो मुझे भी बता देना यार, मैं भी चले जाऊँगी। तो फाइनल रिव्यूज़ ये हैं कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा मत करो ट्राई, अगर आपको करनी है उंगली तो कर लो यार ट्राई। मतलब मुझे यहाँ का स्पेसिफिकली तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आपने कहीं और का ट्राई किया हुआ तो मुझे एक बार ही बता देना कि कहाँ अच्छा मिलता है, और मैं वहाँ का ज़रूर ट्राई करूँगी, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार। और जिस जो भी न्यू है इस चैनल में, जो भी न्यू वीडियो देख रहा है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़, दैट विल मीन अ लॉट। थैंक यू सो मच गाइज़।